लगातार 25 सालों से बालू का अवैध खनन करने का ग्रामीण ने लगाया आरोप। ग्रामीण द्वारा शिकायत के बाद भी जिम्मेदारी मौन, शिकायतकर्ता लाचार, खनन माफिया के हौसले बुलंद। लंबे समय से जारी है बालू का अवैध खनन, शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन, शिकायतकर्ताओं ने जन सुनवाई पोर्टल सहित लिखित शिकायत की। दबंग बालू माफियाओं ने दी शिकायतकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। बीते 25 सालों से कर रहा जिग्नी घाट पर बालू का अवैध खनन। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से, जहां बीते 25 सालों से लगातार बालू माफिया द्वारा प्रशासन से साठगांठ करके बालू का अवैध खनन को रात के अंधेरे में अंजाम देते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना क्षेत्र के जिग्नी घाट का है, जहां रात के अंधेरे में बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटे भर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिग्नी गाँव निवासी विनोद श्रीवास बहुत दबंग है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई ना होने से बालू माफिया हरिजन एक्ट और बलात्कार आदि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हमारे परिवार के साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग करें। रोज एक फोटो खिंचवा जाओ करो, हैं? हाँ, अब जाओ, रोकने थोड़ा है। वीडियो तुम वीडियो बना दो, जा, ले जाओ। वीडियो कर ले। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ के रहने वाले? जिग्नी। क्या समस्या है? समस्या ये है, 2 महीने करीब पहले हमने DM साहब, मुख्यमंत्री जी सबको पोर्टल पे ऑनलाइन किया। उसमें खनिज टीम आई, राजस्व टीम द्वारा एक डंप पकड़ा गया। उसमें विनोद श्रीवास व टीकाराम श्रीवास के नाम लिखा, कई लोगों के साइन दर्ज करे। उसमें आज तक जांच चलती है। जान माल की धमकी देता रहा, 176 लगवा जाएंगे, हर जाने लगवा जाएंगे। पुलिस प्रशासन से उसमें जांच, ट्रैक्टर बराबर चल रहा है सबसे। तो किस चीज़ का अवैध खनन हो रहा है? बालू का अवैध खनन। हाँ, हमने DM साहब को दिया, आज कोई सुनवाई नहीं, 2 महीने से बराबर अवैध खनन। तो प्रशासन पहुंचा अभी तक नहीं पहुंचा? प्रशासन पहुंचा, खनिज टीम व राजस्व टीम पहुंचने के बाद उसने लिखा, उसकी कॉपी हमको दी, उसमें कोई सुनवाई, खनन नहीं रोका, बराबर खनन हो रहा है। तो आज भी हो रहा है खनन? आज भी वीडियो है, साक्ष्य सब कुछ दिख रहा है। क्या चाहते हैं आप? खनन बंद कराया जाए, बराबर देता है, हर जने आके लगवा देंगे, 76 लगवा देंगे। हमारे पास बाई रिकॉर्ड है, उसकी आवाज़ सब कुछ है, बराबर धमकी देता है। कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं है। जो किसकी मिली भगत से सब हो रहा है? ये सब थाना प्रशासन है, DM साहब को। DM साहब को हमने कई बार अवगत किया, फोन भी किया, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। किस गांव से? किस गांव से? ग्राम जीवी। क्या समस्या है आपकी भाई? समस्या ये है, हमारे गांव में विनोद धोबी, सनौ टीकाराम, ये अवैध ट्रैक्टरों द्वारा अवैध बालू खनन करता है। अगर इसकी फोटो वगैरह खींचो, अगर वीडियो खींचो, तो ये हरजन एक्ट लगवाने की धमकी देता है और जान माल की धमकी देता है। और शासन प्रशासन सब इसके अंडर में है, इनसे सबसे मिली भगत करके ये अवैध खनन करता है। वो आज से नहीं, ये 25 वर्षों से करता चला आ रहा है। अगर कोई गांव का या किसी भी तरह का आदमी अगर इसकी कोई शिकायत करता है, ये हर जनरेट लगवा देंगे, आपको अंदर करवा देंगे और कहीं मतलब इस तरीके से बंद करवाने की धमकी देता है। वो हमारे ट्रैक्टर
इसी तरह चलेंगे, यही धमकी देता रहता। तो कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जन सुनवाई पोर्टल में भी दर्ज कराई शिकायत अपनी, और डीएम साहब को भी की है और कप्तान साहब को भी। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये इसका खनन जो कार्रवाई हो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसके ट्रैक्टर जो चल रहे हैं वो बंद किए जाए, मतलब अवैध खनन को रोका जाए। अवैध खनन को रोका जाए। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह परिहार। अच्छा। सन ऑफ राम सिंह परिहार, ग्राम पोस्ट जिंगनी, जिला हमीरपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि क्या नाम, विनोद धोबी, सन ऑफ टीकाराम धोबी, निवासी ग्राम जिंगनी, जिंगनी का निवासी है ये, 25 वर्षों से अवैध खनन कर रहा है। मैंने इसकी वीडियो का मतलब 19/8, 24/8 और 26/8 को बनाई, जब से ये गत विरोध, ये हमारा बराबर विरोध कर रहा है, और थाना पुलिस सब इसकी मिली भगत है, हैं। हम खूब शिकायत करते हैं, कोई हमारे ऊपर हर्जानेट बलात्कार और चरस व अफीम की धमकी देता घूम रहा है कि हम इनको लगवा देंगे। बालू का अवैध खनन हो रहा है? बालू का अवैध खनन हो रहा है, और आज से नहीं 25 सालों से हो रहा है, और बराबर का मतलब ट्रैक्टरों से हो रहा है, 2-3 ट्रैक्टर करते। ये आपराधिक किस्म का आदमी है, ये 3 साल कैद, 3 साल की इसकी सजा भी है, तब भी अंदर नहीं गया। ये थाने में शिकायत की? थाने में हम के हाय शिकायत नहीं थी, हमने कहा मतलब थाने से हम डरते हैं, थाने में उसका पूरा पहुँच है, मैं घी राशन से सब थाने में पहुँचाता है, थाने वाले तो किसी की सुनते ही नहीं है। और कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने कहा मतलब डीएम साहब को दी है, और पोर्टल में जन सुनवाई में दी, कई जगह दे चुकेगी। एफडीएम साहब को भी दी है? एसडीएम साहब को दी है। कब दी थी आपने? हमने ये दी थी 23 तारीख को। कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हमें धमकी बराबर मिल रही है। कल एक पुलिस वाले मिले थे, तो वो कह रहे थे आप थाने नहीं आना, नहीं तो आपको उठा के बंद कर देंगे और हर्जा नेट लगा देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, और इसके ट्रैक्टर एक्टर बंद हों। संवाददाता अमित कुमार।